रामबन जिला में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन 4 लेन की सुरंग का एक हिस्सा बृहस्पतिवार रात को ढह जाने से कई लोग उसमें फंस गए, जिसमें बताया गया कि शुक्रवार को 4 को बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि एक मजदूर की इस हादसे में मौत हो गई है और अभी भी 9 मजदूर फंसे हुए हैं। बता दें कि शुक्रवार शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को जम्मू में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370, टारगेट किलिंग, फिल्म कश्मीर फाइल्स, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, परिसमन की रिपोर्ट और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कहा था कि अनुच्छेद 370 ही जम्मू कश्मीर में हर परेशानी का कारण है, लेकिन 2.5 साल हो गए हैं और हालात पहले से और भी बदतर हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को गृह विज्ञान विभाग की प्रोफेसर नीलोफर खान को कश्मीर विश्वविद्यालय की नई कुलपति नियुक्त किया था, जिसके बाद आपको बता दें कि प्रोफेसर नीलोफर खान की तरफ से शुक्रवार को कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति का पद संभाल लिया गया। साथ ही साथ बता दें कि ये कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। उपनिदेशक मौसम विभाग मुख्तार अहमद के अनुसार भारी बारिश, ओलावृष्टि और बादल फटने की संभावना है। उन्होंने किसानों को सलाह का पालन करने और किसी भी प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव ना करने और बगीचों की ओर जाने वाली नहरों की सफाई करने को कहा है। साथ ही साथ उन्होंने पर्यटकों को झीलों में शिकारा की सवारी और गुलमर्ग में कार की सवारी से बचने के लिए भी कहा है, क्योंकि तेज हवाएं गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकती है। जम्मू और अखनूर सड़क से गुजरने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। जम्मू शहर में अब तक के सबसे लंबे फ्लाईओवर का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके माध्यम से आधे घंटे का सफर मात्र 10 मिनट में पूरा होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास प्राधिकरण लिमिटेड ने संबंधित ठेकेदारों को हर हाल में जुलाई तक काम पूरा करने का नोटिस जारी कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लाउडस्पीकर मामले में कहा कि इससे हर समुदाय की भावना को ठेस पहुंचेगी। वे हाल ही में पीर पंचायत के 7 दिन के दौरे के बाद जम्मू शुक्रवार को लौटे। पुंछ राजौरी में हर समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग होता है। लाउडस्पीकर पर पाबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि इससे हर समुदाय के लोगों की भावनाएं प्रभावित होंगी। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मेसी एसोसिएशन की तरफ से शुक्रवार को प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान उपराज्यपाल प्रशासन को चेताया गया कि आगामी 24 तारीख को मेडिकल एम्प्लॉयज अपनी डीपीसी और अन्य मांगों को लेकर काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इन्होंने ये साफ किया कि अगर इससे किसी भी को भी परेशानी होती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। जम्मू कश्मीर भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्याम चौधरी, NEM और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी और भाजपा के सभी मोर्चा प्रभारी मुनीश शर्मा ने जनता की शिकायतों को शुक्रवार को सुना और साथ ही साथ जल्द से जल्द समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की। बड़ी संख्या में लोगों और प्रतिनिधि मंडलों ने पार्टी नेताओं से मिलने और अपनी समस्याओं को बताने के लिए भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू का दौरा किया।